जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 वैशाख माह शुक्ल पक्ष में सीता नवमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा से आप सभी के पाप और ताप नष्ट हो तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी का व्रत किया जाता है। इसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में जब महाराज जनक संतान की प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि को जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्रकट हुआ। जोती हुई भूमि तथा हल के नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। अतः इस पर्व को जानकी नवमी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सीता नवमी के दिन व्रत को रखते हैं और भगवान श्री राम एवं विशेष प्रकार से माता सीता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं तो उन्हें 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जानते हैं सीता नवमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार सीता नवमी का व्रत जो कि 10 मई 2022 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ समय 9 मई 2022 दिन सोमवार शाम 6:34 और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 10 मई 2022 दिन मंगलवार को शाम 7:26 पे। तो सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार सीता नवमी का व्रत नवमी तिथि के दिन रखा जाता है। तो नवमी तिथि हमें प्राप्त जो हो रहा है वह समय 10 मई 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन व्रत को किया जाएगा। सीता नवमी के दिन राहु काल का समय जो होगा वह समय दोपहर 3:05 से शाम 4:45 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए जो लाभकारी नहीं होता है। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:25, अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:20 से दोपहर 12:12 तक, नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र होगा शाम 6:40 तक, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। सीता नवमी तिथि के दिन इस दिन रवि योग होगा जो कि संपूर्ण दिन तक रवि योग रहेगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सीता नवमी का जो भी व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री राम और माता सीता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता सीता, हे भगवान श्री राम, आज मैं आपके सीता नवमी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए और मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। सीता नवमी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन माता को जो प्रसाद आप अर्पित करते हैं, नैवेद्य का भोग लगाते हैं, उसको ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनाएं। मंडप पे भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा या फोटो स्थापित करके और जहाँ पर भगवान श्री राम माता सीता का पूजन किया जाता है वहाँ पर हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है, तो इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक आसन लगा करके आसन पे बैठ करके कलश को स्थापित करें, कलश के नीचे यव डालें
और सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश से प्रार्थना करें, उनका पूजन करें, उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करें, कलश में तीर्थों का आवाहन करें, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करें, सागर तीर्थों का आवाहन करें, कलश में पुंगी फल यानी कि सुपारी डाले, उसमें द्रव्य डाले यानी कि दक्षिणा पैसा कुछ उसमें डाले, उसके बाद कलश में पंच पल्लव या आम्र का पल्लव डाले और उसके ऊपर से पूर्ण पात्र रखे, चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखे और उसके ऊपर से फिर पानी वाला नारियल रखे। कलश देवता का पूजन करने के बाद फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवताओं का पूजन करें। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें। रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें। इसके बाद फिर विशेष प्रकार से भगवान श्री राम माता सीता और हनुमान जी का पूजन करें। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद फिर भगवान श्री राम को वस्त्र अर्पित करें, माता सीता को वस्त्र अर्पित करें, माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें और समस्त श्रृंगार की वस्तुएं माता सीता को अर्पित करें। भगवान श्री राम को वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद फिर भगवान श्री राम और माता सीता को अक्षत चढ़ाएं। अक्षत को थोड़ा गीला कर ले, सूखा अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। माता सीता को महिलाएं सिंदूर अर्पित करें और पुरुष अगर पूजन कर रहे हों तो माता सीता को चंदन अर्पित करें यानी कि रोली अर्पित करें। माता सीता को इस दिन लाल पुष्प अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। जहां तक हो सके बन सके इस दिन दूध और गुड़ से बने हुए वस्तु का माता सीता को विशेष प्रकार से भोग लगाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन ऋतु फल आदि अर्पित करें। इस मौसम में जो भी ऋतु फल होता है वो उन्हें अर्पित करें। नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल से उनका आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल तांबूल लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहते हैं, तांबूल यानी कि पान का पत्ता साथ में लौंग इलायची डाल करके चढ़ानी चाहिए। यह बड़ा ही लाभकारी होता है। उसके बाद फिर सीता नवमी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और शाम का पूजन करने के बाद जो भी आपने भोग लगाया है दूध और गुड़ से बने हुए वस्तु का माता को जो भोग आपने अर्पित की है उन्हें उस नैवेद्य को आप प्रसाद रूप में रात्रि में ग्रहण करें और अगले दिन जा करके फिर इस व्रत का विसर्जन किया जाता है। अगले दिन जा करके फिर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले भगवान श्री राम और माता सीता का। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए। उसके बाद फिर आप व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा करते समय जो भी आपने भोग लगाया हो पहले उस प्रसाद को ग्रहण करें, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। व्रत में संयम का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर घर पर कोई याचक आता है तो उसे अवश्य ही दान देनी चाहिए। इस दिन किसी याचक को नहीं लौटाना चाहिए। जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान बहुत ही कम बोलना चाहिए। अगर आप मौन रहते हैं तो और भी ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आप व्रत के दौरान ज्यादा बातचीत करते हैं तो नहीं बोलने वाले मुख से अपशब्द भी वैसे निकल जाते हैं। इसलिए ज्यादा इस दिन बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। व्रत के दौरान
व्रत के लिए मन में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। व्रत के लिए श्रद्धा अवश्य ही मन में होनी चाहिए। अगर अश्रद्धा रखते हुए अगर आप किसी प्रकार के व्रत को करते हैं तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए व्रत के लिए मन में अश्रद्धा बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। पूरे भक्ति भाव के साथ और श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सीता नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें 16 दानों का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी दान का तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।